गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र संगी BIHS कॉलेज बांसवाड़ा की BSc पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक एसिड एवं बेस पर। इसलिए आज का हमारा एजेंडा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, कठोर मृदु अम्ल क्षार वर्गीकरण। यदि वर्गीकरण की बात की जाए तो यदि हम सर्वप्रथम अम्ल की बात करें तो आपने सुना होगा कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं तथा कुछ पदार्थ क्षारीय होते हैं। यदि हम सर्वप्रथम बात करें अम्लीय पदार्थों की तो सामान्यतया अम्ल फलों में, कीट में, सब्जियों में इत्यादि चीजों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम टमाटर, अंगूर, चींटी, नींबू, संतरा इत्यादि चीजों से हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि हम टमाटर की बात करें तो टमाटर से आपको ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, दही से लैक्टिक एसिड, चींटी से आपको मेथेनोइक एसिड इत्यादि अम्ल प्राप्त होते हैं। जबकि यदि हम क्षार की बात करें, क्षार हमें चूने से, इनों से आदि चीजों से प्राप्त होते हैं। सामान्यतया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में तोरे होते हैं, ब्रिटल। यह सामान्य वर्गीकरण की हम बात करते हैं सामान्यतया। लेकिन यदि हम बीएससी थर्ड ईयर के क्लास के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं अम्ल और क्षार के वर्गीकरण की, तो हमें क्षार के वर्गीकरण की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत की है, उसकी हमें बात करनी होगी। तो आइए हम बीएससी थर्ड ईयर के अनुसार अम्ल और क्षार के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम अम्ल और क्षार के लिए एक वर्गीकरण दिया गया है जिसकी हम चर्चा करते हैं। अम्ल और क्षार के वर्गीकरण के लिए सामान्यतया तीन अवधारणाओं की बात की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम है आरएनएस अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा एवं लुईस अवधारणा। इन सभी अवधारणाओं के आधार पर अलग अलग अम्ल और क्षार की परिभाषा दी गई है। जैसे हम बात करते हैं आरएनएस अवधारणा की, आरएनएस अवधारणा के अंतर्गत H+ दाता को अम्ल बताया गया है जबकि OH- दाता को क्षार बताया गया है। ऐसे पदार्थ जो H+ आयन, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं, जबकि OH- आयन देने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं। इसी आधार पर हम बात करें ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा की, तो ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार H+ दाता या प्रोटॉन दाता को हम अम्ल कहते हैं जबकि H+ ग्राही को क्षार कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम में H+ आयन, प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन आयन को ग्रहण, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जबकि H+ ग्राही या H+
को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली अवधारणा की, जिसका नाम है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा को के आधार पर एलपी ग्राही पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, जबकि एलपी दाता क्षार कहलाते हैं। एलपी दाता से अर्थ होता है लोन पे या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। निम्न अवधारणा के आधार पर हम अम्ल और क्षार का वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं सर्वप्रथम आरएनएस अवधारणा की। देखिएगा, यदि हम बात करें आरएनएस अवधारणा की, तो आरएनएस अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो जलीय माध्यम पर विलायकों के वियोजन पर आधारित है। अर्थात हम कह सकते हैं आरएनएस अवधारणा के अंतर्गत विलायक जल के रूप में लिया जाता है या विलायक जल होना आवश्यक है। ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होते हैं वो आरएनएस अवधारणा के अनुसार अम्ल या क्षार हो सकते हैं। आरएनएस अवधारणा के अनुसार जल में H+ आयन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, जबकि जल में OH आयन देने वाले क्षार कहलाते हैं। सामान्यतया यह अवधारणा जल के वियोजन स्थिरांक पर ही निर्भर करती है। जैसे हम बात कर सकते हैं H2O एक जल का अणु है जो वियोजन होने पर H+ आयन तथा OH- आयन देता है। H+ आयन अम्ल के लिए उत्तरदायी है, जबकि OH- आयन क्षार के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम जल के वियोजन स्थिरांक की बात करें, kW = 1.2 × 10⁻¹⁴ यह जल के लिए वियोजन स्थिरांक होता है जो kW का निर्धारण करता है। इसके अनुसार जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएनएस अम्ल और क्षार के वर्गीकरण की। यदि हम आरएनएस अम्ल और क्षार के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम निम्न प्रकार से उसके एग्जांपल या उदाहरण की बात कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम आरएनएस अम्लों की बात करते हैं। वे पदार्थ जो एच प्लस आयन रखते हैं अम्ल कहलाते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जो OH- आयन रखते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल HCl, H+, Cl- H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, या अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। H2SO4 किसी भी देश के औद्योगिक विकास की पुष्टि करता है। अर्थात किसी देश में जितना ज़्यादा H2SO4 का उत्पादन होता है वही उस देश की विकास का मापक्रम है, या देश उतना ही विकासशील कहलाता है। अन्य उदाहरण HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को सोरा भी कहा जाता है। H+
NO3 माइनस या नाइट्रेट माइनस। इसके बाद CH3 COOH या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल। इत्यादि एग्जाम्पल या उदाहरणों के द्वारा हम अम्ल की बात कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो आयनन पर H+ का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। यदि हम बात करें प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल का अर्थ होता है ऐसे अम्ल जिनका जल में पूर्णतया आयनिक वियोजन होता है या पूर्णतया या शत प्रतिशत वियोजन होता है, आयनन होता है, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि ऐसे अम्ल जिनका जल में पूर्णतया या शत प्रतिशत आयनन नहीं होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतया ऑक्सो अम्ल प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि कार्बनिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखे गए हैं। किसी भी अम्ल में जल की मात्रा मिलाने पर या pH बढ़ाने पर अम्ल की दुर्बलता बढ़ती है। आइए हम निम्न एग्जाम्पल के द्वारा बात कर सकते हैं। यदि हम अम्ल की बात करते हैं तो हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल या क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल की बात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहां हमने तीन एग्जांपल या फास्फोरस के तीन ऑक्सो अम्ल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से प्रथम का नाम होगा हाइपो फास्फोरस अम्ल फास्फोरस अम्ल फास्फोरिक अम्ल। यहां देखिएगा आप, प्रत्येक यौगिक में या प्रत्येक अम्ल में एक एक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने पर उसकी उसका ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, जिसके आधार पर अम्ल की अम्लता या अम्ल प्रबलता बढ़ती है। यदि हम कहें फास्फोरस अम्ल से प्रबल अम्ल होगा हाइपोफास्फोरस अम्ल से प्रबल होगा फास्फोरस अम्ल, और फास्फोरस अम्ल से प्रबल होगा फास्फोरिक अम्ल। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों का क्रम निम्न प्रकार से होगा। देखिए HClO, HClO2, HClO3, HClO4, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ऑर्थो क्लोरिक अम्ल। निम्न में ऑक्सीकरण अंक +1 +3 +5 तथा +7 होता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्ल प्रबलता बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्ल प्रबलता बढ़ती है, और वे अम्ल जो शत प्रतिशत जल में आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि ऐसे अम्ल जिनका शत प्रतिशत आयनन वियोजन नहीं होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद हम क्षार के वर्गीकरण पर चलते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं
क्षार के वर्गीकरण की, तो परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में आयनित होने पर आयनित होने पर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके उदाहरण की हम बात कर सकते हैं, देखिए NaOH जिसे आप सामान्यतया सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयनन करने पर यह Na प्लस आयन तथा OH माइनस आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार Mg OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका आयनन करने पर यह Mg2 प्लस 2 OH माइनस आयन देता है। इसी प्रकार Ca OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइन, बुझा हुआ चूना, इसे बुझा हुआ चूना या स्लेग लाइन भी कहते हैं, जबकि इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। सभी पदार्थों में सभी पदार्थ जल में वियोजित होने पर OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो जल में OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। NH4OH NH4 प्लस प्लस OH माइनस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह जल में पूर्णतया आयनित नहीं होता है, जबकि NOH MgOH CaOH यह प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यदि हम बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्ल प्रबलता और क्षार प्रबलता दोनों बढ़ती है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा हम बात करते हैं वर्ग एक एवं वर्ग दो के तत्वों की। वर्ग एक में सामान्यतः क्षारीय धातुएं या एल्कालाइन मेटल रखे गए हैं जिनमें Na, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम तत्व होते हैं, जबकि वर्ग दो में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम आते हैं। ये सभी तत्व ऑक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन या क्षार बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे NOH, KOH, RBOH या सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार BOH का होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। सभी वर्ग दोनों वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर क्षार प्रबलता बढ़ती है। इस प्रकार से हम निम्न अम्ल और क्षारों की प्रबलता का निर्धारण कर सकते हैं।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपवाद की, जिसमें हम बोरिक अम्ल या ऑर्थो बोरिक अम्ल की बात करते हैं। HBO3 या BOH का होल थ्राइज, यह बोरिक अम्ल या ऑर्थो बोरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, जो एक प्रकार का लुईस अम्ल है। यह अम्ल आरएनएस अम्ल की अवधारणा या आरएनएस अम्ल की वर्ग श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि यह बोरोन से संबंधित है और बोरोन एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, इसी कारण यह अपवाद श्रेणी में रखा गया है। आरएनएस अम्लों के बाद हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार की। देखिए, हम अब अम्ल क्षार वर्गीकरण के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार वर्गीकरण। यह अवधारणा 1923 में ब्रोंस्टेड एवं लोरी दो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, जिसे ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा या ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार अवधारणा के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत एच प्लस आयन देने या ग्रहण करने और त्यागने पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत H प्लस दाता एवं ग्राहक के निर्धारण पर निर्भर करता है। जैसे H प्लस दाता अम्ल कहलाते हैं, जबकि H प्लस ग्राही क्षार कहलाते हैं। H प्लस ग्राही क्षार कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, यदि यदि जल या H2O H प्लस आयन में विभक्त होता है, तो यह दो भागों में विभक्त हो जाता है, H प्लस आयन OH माइनस आयन। इसके अनुसार H2O अम्ल है, जबकि OH माइनस जो H प्लस को ग्रहण कर सकता है वो क्षार कहलाता है। इसी प्रकार HCl एच प्लस सी एल माइनस में विभाजित होता है, जिसके अनुसार सी एल माइनस क्षार होगा, जबकि एच सी एल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, जबकि दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है। यदि हम बात करें H2SO4 की, यदि हम बात करें H2SO4 की या सल्फ्यूरिक अम्ल की या गंधक के अम्ल की, जिसके अनुसार H2SO4 का वियोजन दो भागों में होता है। देखिए, H प्लस H SO4 माइनस H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, जबकि इसके आयनन से बनने वाले संयुग्मी अम्ल क्षार दुर्बल प्रकार के होते हैं। यह दुर्बल संयुग्मी
सार होगा। इसी प्रकार एनएच थ्री एच प्लस अमोनिया हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन या एच प्लस को ग्रहण करके अमोनिया में बदलता है और यह क्षार की भांति कार्य करता है, जबकि एनएच फोर अम्ल की भांति कार्य करेगा, क्योंकि एनएच फोर प्लस हाइड्रोजन दाता है जबकि एनएच थ्री हाइड्रोजन ग्राही है। इस प्रकार से विभिन्न पदार्थों की हम बात कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, देखिए यदि हम बात करें एच एनओ थ्री नाइट्रिक अम्ल की, इसके अनुसार नाइट्रिक अम्ल एच प्लस तथा एनओ थ्री माइनस में बदलता है, इसलिए नाइट्रेट आयन क्षार होगा जबकि यह अम्ल है। यदि मैं बात करूं H2O की, H2O यदि H प्लस आयन ग्रहण करता है तो H3O प्लस में बदलेगा, जबकि हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है तो OH माइनस आयन में बदलेगा। यहां H2O अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, जिस यह अम्ल होगा जबकि यह क्षार होगा। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षार की बात कर सकते हैं। यदि हम एक संयुग्मी अम्ल क्षार के उदाहरण की बात करें तो हम HCl प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस प्लस Cl माइनस की बात कर सकते हैं, जिसमें HCl अम्ल की तरह कार्य कर रहा है जबकि H2O क्षार की तरह कार्य करता है। इस अभिक्रिया में H2O एक प्रोटॉन का त्याग करता है, इस अभिक्रिया में अम्ल एक इस अभिक्रिया में HCl अम्ल एक प्रोटॉन का त्याग करता है जो जल के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप H3O प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन बनते हैं। यहां HCl अम्ल की तरह तथा H2O क्षार की तरह व्यवहार करता है। H3O प्लस अम्ल 2 तथा Cl माइनस क्षार 1 की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार के बनने को हम बता सकते हैं। यदि हम बात करें ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणाओं की सीमाओं की, तो इसके अनुसार वे ही पदार्थ अम्ल और क्षार कहलाते हैं जो प्रोटोनिक होते हैं, अर्थात जिनमें H प्लस आयन ग्रहण करने की या त्याग करने की क्षमता होती है। यदि कोई अम्ल और क्षार H प्लस आयन नहीं ग्रहण करते हैं या नहीं त्यागते हैं तो वह अम्ल क्षार की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। इसके अनुसार SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के अम्लीय व्यवहार को नहीं दर्शाया जा सकता, या ऐसे विलायक जो अप्रोटोनिक हैं यह उन पर लागू नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अम्ल क्षार वर्गीकरण की, जिसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं HCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया में HCl अम्ल की तरह व्यवहार करेगा जबकि H2O क्षार की तरह। HCl अम्ल का त्याग करके Cl माइनस आयन बनाएगा, जिसे H2O ग्रहण करके
यदि हम बात करें HCl की, HCl अम्ल की तरह व्यवहार करता है जो H प्लस तथा Cl माइनस में वियोजित होता है तथा H2O तथा H2O H प्लस आयन को ग्रहण करके H3O प्लस में बदल जाता है। संपूर्ण रूप से इस अभिक्रिया को HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl माइनस के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर HCl अम्ल वन होगा तथा H2O क्षार होगा। HCl प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार Cl माइनस होगा, जबकि H2O H3O प्लस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार या हाइड्रोजन आयन के ग्रहण करने और त्यागने को हम समझा सकते हैं। आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं। आज की क्लास से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर या दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।